Hello dear students, I welcome you all in Sri Ram Academy, and today we are going to start our new chapter, which is lesson 12, how I taught my grandmother to read. So we all may have our grandmother at home. हम सब लोगों के पास grandmother हमारी होती हैं, जिनके पास में भी पास में रहती हैं. तो कुछ कई बार ऐसा हुआ है कि इंडिया में जब हम देखते हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ती है कि कई बार क्योंकि हमारी ग्रैंड मदर्स जो हैं वो बहुत पुराने समय की हैं, उनका जन्म पहले हुआ और चीज़ें उन्होंने वो उनकी ग्रोथ पहले हुई है, फिर उसके बाद उनकी शादी पहले हुई, बहुत पहले, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि आज हमारे यहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्रेस हुई है. और उस टाइम पर क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई को लड़कियों के लिए तवज्जो नहीं दी जाती थी, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो मोस्टली जो ओल्ड एज होती हैं, ओल्ड एज वीमेंस इन अ फैमिली, तो ओल्ड एज वीमेन इन फैमिली के साथ में ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि वो उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं अधूरी रहती है, पढ़ाई उनकी नहीं हुई होती. तो ऐसा ही एक जो स्टोरी है वो ये लेके आया है. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल इन श्री राम अकेडमी, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, एंड आई होप दैट यू ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ऑल्सो यू ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ क्लीनिनेस अराउंड यू. तो आज हम देखते हैं कि ये लेसन क्या है. सो आई एम गोइंग टू रीड पैरा बाय पैरा एंड एक्सप्लेन इट टू यू एज अ स्टोरी. ओके, मैं पैरा बाय पैरा पढ़ूंगी और आपको स्टोरी की तरह सुनाऊंगी, और फिर उसके बाद पीडीएफ अटैच करेंगे तो आंसर्स आपको वहां से लिखने हैं. देखिए, व्हेन आई वाज अ गर्ल अबाउट 12, आई यूज्ड टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विद माई ग्रैंड पेरेंट्स. दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड, सो वी यूज्ड टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून, एंड द वीकली मैगजीन यूज्ड टू कम वन डे लेट. ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस विच यूज्ड टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन एंड द पोस्ट. ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो स्टोरी है, शी इज़ अ गर्ल जो ये लिखेंगी, और ये बता रही हैं कि जब मैं तकरीबन 12 साल की एक लड़की थी, तो आई यूज़ टू स्टे इन अ विलेज, मैं गाँव में रहती थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में, और वो जगह ऐसी थी जहाँ पर उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा नहीं था, मतलब वाहन नहीं जा सकते थे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो पेपर है वो सुबह का पेपर दोपहर में आता था, दोपहर तक आ पाता था, और उस बस का जो बस वो पेपर लेकर के आती थी उसका हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते थे. एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज द पॉपुलर राइटर इन कन्नड़ लैंग्वेज. तो उस समय पर त्रिवेणी नाम की एक राइटर थी, त्रिवेणी, वो बहुत पॉपुलर राइटर थी कन्नड़ लैंग्वेज की. शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग. उनका जो राइटिंग स्टाइल था वो बहुत ही आसान था और बहुत कन्विंसिंग था, मतलब लोगों को भा जाता था. वन ऑफ हर नोवेल्स काशी यात्रा अपियर्ड इन सीरियल फॉर्म इन द कन्नड़ वीकली कर्मवीर देन. इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर एरडेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी. उसी समय की बात है, एक काशी यात्रा नाम का उनका सीरियल जो है वो, मतलब उनकी एक कॉन्ट्रीब्यूशन काशी यात्रा जो है वो वीकली उसमें कर्मवीर नाम के एक अखबार में आती थी, और वो जो है किस चीज़ के बारे में थी, एक ओल्ड लेडी का डिज़ायर था, वो एक बहुत ही ज़्यादा यूजुअल डिज़ायर, जो बिल्कुल उम्र जब हो जाती है तो हम देखते हैं कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, या जब एज ज़्यादा हो जाती है तो पेरेंट्स भी कोशिश करते हैं कि तीर्थ स्थल ज़्यादा जाएं. तो इसी तरीके से क्या होता है कि वो जब वो देखती है कि जब भी वो काशी के बारे में पढ़ती है, देखती है, तो उसका बड़ा एक डिज़ायर रहता है. जो काशी यात्रा नाम की एक सीरियल, मतलब कि बोला जाए तो बहुत सारे उसके एपिसोड्स बना करके एज अ स्टोरी जो है वो पब्लिश की गई थी अखबार में, वो लिखा किसने, त्रिवेणी ने. और वो किसके बारे में थी, एक ऐसी महिला जिसको बहुत ज़्यादा इच्छा है कि वो काशी यात्रा और वाराणसी जाए. मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज़ अल्टीमेट पुण्य. दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर इज़ डिस्क्राइब्ड इन दैट नोवल. इन द स्टोरी देयर इज़ ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव, बट देयर इज़ नो मनी फॉर द वेडिंग. इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी. शी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन वर्शिपिंग लॉर्ड. तो ये जो स्टोरी है ये एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है. किस बारे में, जिसमें एक बूढ़ी औरत रहती है, एक महिला रहती है, जिन्हें जाना होता है काशी, और उसके लिए वो कर रही होती हैं सेविंग्स, ताकि कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएँ तो वो
उससे काशी और वाराणसी घूमकर आ सकें। लेकिन बाद में उन्हें वो देखती हैं, उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो ऑर्फेन गर्ल है। ऑर्फेन का मतलब होता है अनाथ लड़की। तो जो ऑर्फेन गर्ल है, अनाथ लड़की है, उससे मिलती हैं वो, और उसको किसी से, वो किसी से शादी करना चाहती है मगर उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो ये जो ओल्ड लेडी हैं वो क्या करती हैं, अपने सारे पैसे उसको दे देती हैं ताकि वो अपनी शादी कर ले, और कहती हैं लास्ट में एक स्टेटमेंट कि सारे सबसे बड़ी खुशी यही है कि मैं इस अनाथ लड़की की हेल्प कर दूं, इससे बड़ी खुशी वो नहीं है क्या कि हम भगवान की पूजा करें। ये चीज़ होता है। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। फिर देन व्हाट हैपेंड, लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी, वो यही बात कहती हैं कि हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि इस लड़की की हेल्प कर दें बजाय कि हम काशी में विश्वेश्वरा भगवान की पूजा करें। माई ग्रैंड मदर कृष्टिका नेवर वेंट टू स्कूल, सो शी कुड नॉट रीड एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द न्यू एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन। और उस टाइम पे क्या होता था कि वो बहुत ज़्यादा, मेरी जो दादी हैं ग्रैंड मदर कृष्टिका, तो कृष्टिका इनका नाम कृष्टिका प्रोनंशिएट करेंगे, तो कृष्टिका जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस स्टोरी की फॉन्ड थी और उनको बहुत पसंद था ये। और वो क्योंकि पढ़ नहीं पाती थी तो हमेशा वो जो आता था मैगजीन जिसमें ये स्टोरी रहती थी वीकली, वो मैं पढ़ती थी और उनको एपिसोड बाय एपिसोड सुनाया करती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, और वो सुनते हुए बहुत सारे काम अपने भूल जाती थी और बहुत ही ग्रेट कंसंट्रेशन से वो पढ़ा करती थी यहाँ पर। देन माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी एंड शी आइडेंटिफाइड हर्सेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटैगोनिस्ट, सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग वट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी एंड यूज टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर। अब क्या है कि एक चीज़ जो थी वो ये थी कि मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो भी कभी नहीं गई थी काशी, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट का मतलब होता है जो लीड रोल में हो, है ना, जो स्टोरी के लीड रोल में हो। तो जो लीड रोल में इसमें एक औरत थी उसको मेरी ग्रैंड मदर अपनी जगह देख के रखती लेके रखती थी और सोचती थी कि वो मैं ही हूँ। उन्हें भी बहुत इच्छा थी काशी जाने की लेकिन वो गई नहीं। And she identifies herself with the novel's protagonist, so more than anybody else, she was one more interested in knowing what happened next in the story. तो वो जो है वो अपने आप को उस protagonist की तरह मानती थी, उस story की lady की तरह समझती थी, compare करती थी, इसलिए वो क्या करती हैं, वो उस स्टोरी में बहुत ध्यान दिखाती थी और मुझसे हमेशा पूछती थी, मैं उनको सुनाती थी। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कज़न टू अ नेबरिंग विलेज एंड दोज डेज वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, वी चिल्ड्रन एन्जॉयड अवर सेल्फ थ्रू आउट, वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी एंड आई वेंट फॉर कपल ऑफ डेज बट ended staying there for a week. तो अब वो बताती है कि एक बार फिर क्या हुआ कि मुझे शादी के लिए जाना था मेरे कज़न्स के साथ में, तो कुछ नेबरिंग एक पास में ही एक गांव था वहाँ जाना था। तो हम लोग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते थे शादी, क्योंकि उस समय पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा इवेंट होता था शादी, है ना। तो हम लोग खाना पीना इन्जॉय करते थे और खूब, बड़े लोग क्योंकि ध्यान नहीं देते थे हमारे ऊपर ज़्यादा, वो लोग बिज़ी रहते थे, तो हम लोग खूब इन्जॉय करते थे, खूब मस्तियाँ करते थे, ठीक है। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. जब मैं वहाँ से वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी जो grandmother हैं वो उनके पास वो आंसू से भरी हुई हैं। I was surprised for I had never seen her cry even in the most difficult situations. तो मैंने ये देखा कि वो रो रही थी और मैंने कभी भी उनको रोते हुए नहीं देखा था बहुत मुश्किल situations में भी। तो I was interested to know that why she is worried about. तो वो मैं ये जानना चाहता था कि वो क्यों परेशान हैं। फिर क्या होता है, अव्वा इज़ एवरी थिंग ऑल राइट, आर यू ओके। तो वो अपनी ग्रैंड मदर को अव्वा बुलाते थे, तो कहते अव्वा क्या सब कुछ ठीक है, आप ठीक हो। शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हर बट फॉरगॉट द इंसिडेंट्स। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ द हाउस, इट वॉज अ समर नाइट एंड देर वॉज फुल मून। अव्वा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, हर अफेक्शनेट हैंड्स टच माई फोरहेड, आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक, आई आस्क्ड हर व्हाट इज़ द मैटर। तो वो कहती हैं
मैं जब वहाँ से आई तो शी वॉज इमोशनल, वो थोड़ा उदास थी, रो रही थी, और जब मैंने पूछा उन्होंने नहीं बताया। फिर एक दिन जब हम लेटे हुए थे, क्योंकि गांव था वो ओपन नाइट, मतलब कि हम आंगन में लेटे हुए थे, ऊपर एक चांद दिख रहा था हमें, तो वो समर्स की नाइट थी, तो वो आई और मेरे सर पे उन्होंने हाथ रखा। मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि वो मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं। फिर व्हेन आई वाज अ यंग गर्ल, तो वो बताने लग गई, व्हेन आई वाज अ यंग गर्ल आई लॉस्ट माय मदर, देयर वाज नोबडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, माय फादर वाज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन, इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स, सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन, आई बिकेम वेरी बिजी, लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड And always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. At times, I used to regret not going to school. So I made sure that my children and grandchildren studied well. तो क्या हुआ कि वो आके मुझे कहती हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी तब क्या हुआ था कि मेरी माँ की डेथ हो गई थी और मेरे पापा जो है वो बहुत बिजी थे, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली, और उसके बाद क्या हुआ कि मेरे घर वाले सब बहुत बिजी रहते थे अपने आप में, और उस समय लड़की की एजुकेशन को उतना ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, सिर्फ इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं पाई और मैं कभी स्कूल नहीं गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर मेरी शादी हो गई तो मुझे पति का ध्यान रखना पड़ा, फिर उसके बाद मेरे बच्चे हुए तो मैं उनका ध्यान रखती रह गई, फिर उसके बाद मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हुए, आप लोग हुए, तो मैं उनके ध्यान में लग गई, और फिर मुझे आप लोगों का ध्यान रखना, खाना बनाना और आप लोगों को खाना खिलाना अच्छा लगने लग गया, तो सारा टाइम इसमें ही निकल गया और मैं बिल्कुल भी स्कूल नहीं जा पाई, और मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैं स्कूल क्यों नहीं गई। क्यों? क्योंकि मैंने ये चीज़ श्योर रखा कि मैं अगर स्कूल नहीं गई हूँ तो मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को पढ़ाऊँ। तो ये बात जब उन्होंने बोली, फिर रिएक्शन क्या था किनका, राइटर का, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62 ईयर्स ओल्ड ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी अ 12 ईयर ओल्ड द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडिल ऑफ नाइट, बट आई न्यू लव्ड हर इमेंसली एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी, लुकड एट हर फेस इट वॉज अनहैप्पी एंड आईज वर फिल्ड विद टीयर्स। तो मैं उस टाइम पर थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गई कि ये मेरी जो 62 ईयर्स ओल्ड दादी हैं, इतनी रात में, आधी रात को वो अपनी 12 साल की स्टोरी क्यों मुझे बता रही हैं, ठीक है, और वो ऐसा क्यों कर रही हैं, मुझे ये चीज़ समझ में आ रही थी कि हाँ कोई रीज़न तो है तभी वो मुझे बता रही हैं। और जब मैंने पलट के देखा तो उनकी आंखें जो है वो आंसुओं से भरी हुई थी। अवर डोंट क्राई, व्हाट इज़ द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, तो वो बोलती हैं कि आप रोएं नहीं अब्बा, मुझे बताएं कोई प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व करूँगी, क्या प्रॉब्लम है। तो ये कहती हैं उनकी ग्रैंड मदर, येस आई नीड योर हेल्प, यू नो व्हेन यू वर अवे करमवीर केम टू अनयूजुअल टू यूजुअल, आई ओपन्ड द मैगजीन, आई सॉ द पिक्चर दैट अकंपनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा। तो वो बताती हैं कि तुम जब वहाँ चली गई थी उनके यहाँ शादी में, तो करमवीर मैगजीन जो है वो तब भी आती थी, और मैंने देखा कि वो करमवीर मैगजीन आ रही है और उसमें जो स्टोरी है वो भी मैं देख रही हूँ, लेकिन उसकी पिक्चर मैं देख रही हूँ, स्टोरी देख रही हूँ, मैं उसे पढ़ नहीं पा रही थी। तो फिर क्या हुआ, मैं उसे पढ़ नहीं पा रही थी, फिर क्या है, उसमें स्टोरी थी किसकी और किसकी पिक्चर थी, काशी यात्रा की। तो फिर क्या हुआ, फिर देखते हैं आगे, नेक्स्ट चेंज द स्लाइड, ये फिर क्या हुआ, काशी यात्रा, एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनी थिंग दैट वॉज रिटन In that was written, I waited eagerly for you to return. I felt you would come early and read for me. I could have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. I felt very dependent and helpless. We are well off, but what is the use of money when I cannot be independent? तो वो कहते हैं कि वो सारी बातें समझाती है, कहती है कि जब तुम यहाँ पर नहीं थी तो क्या हुआ है मेरे साथ, मुझे ये करमवीर मैगज़ीन वैसे ही आ रही थी, और ये मैगज़ीन आने के बाद भी मैंने जब देखा कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, ठीक है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैंने देखा कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, और ये चीज़ समझ में आई कि मैं
उसको देख रही हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ और तुम नहीं थी तो मुझे बहुत हेल्पलेस महसूस हुआ। उसके अलावा गांव में बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं बोल सकती थी तो वो पढ़ देते, लेकिन मुझे एम्बेरसिंग लग रहा था कि मैं उन्हें कैसे बोलूँ, झिझक थी। आई डिड नॉट नो वॉट टू से इन आंसर, अव्वा कंटिन्यूड। अव्वा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि मैं क्या बोलूँ, दादी कहती हैं कि मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। I have decided to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. I will work very hard. I will keep Saraswati Puja day during Dashera as the deadline. तो वो कहती है कि मैं कल से, दादी कहती हैं कि कल से मैं कन्नड़ अल्फ़ाबेट्स जो है वो सीखना शुरू कर दूँगी और मैं सरस्वती पूजा करूँगी दशहरा तक के लिए, और वही डेडलाइन है, तब तक मैं शायद सीख जाऊँ। तो आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, मैंने उनके फेस में डिटर्मिनेशन देखा। येट आई लाव्ड एट हर, अव्वा एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न अल्फाबेट्स। तो फिर भी मैंने उनके आँखों में डिटर्मिनेशन देखा, लेकिन मैंने फिर भी उनको हंसते हुए कहा कि अव्वा अब आप 62 ईयर्स की हो गई हैं और आप अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हैं। ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, योर हैंड्स आर रिंकल्ड, यू वेयर स्पेक्टिकल्स एंड यू वर्क सो मच इन द किचन। वो कहती हैं अब आपके हाथ झुलस गए हैं और आपकी आँखें भी थोड़ा कम दिखता है आपको, और आप किचन में सारे टाइम काम करती हैं और आप कैसे करेंगी। तो फॉर अ गुड कॉज, इफ़ यू आर डिटरमाइंड, यू आर ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी, बट आई विल डू इट फॉर लर्निंग, दिस इज़ नो एज बार। तो वो कहती हैं, जवाब देती हैं अव्वा कि अगर कोई डिटरमाइंड है, अगर किसी को कुछ काम करना है तो उसके लिए उसे नहीं सिखाना पड़ता है, और कोई भी ऑब्स्टिकल हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी बड़ा से बड़ी मुसीबत हो, वो उसे ओवरकम कर ही जाता है, और एजुकेशन की या पढ़ने की कोई भी एज बार नहीं होता, मतलब एज नहीं होती। द नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, अव्वा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, शी वुड रीड, रिपीट एंड रिसाइट, आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। तो दूसरे दिन से हमने पढ़ाई शुरू की, मैं उनकी ट्यूशन टीचर बनी, और वो एक बहुत ही प्यारी टीचर रहीं, वो बहुत ही प्यारी स्टूडेंट रहीं जो सारा होमवर्क करके लाती थी और वो सब चीज़ फॉलो करती थी जो भी मैं उनसे कहती थी, और वो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट रहीं। फिर शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट हेयर। लिटल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट। और मुझे बाद में ये चीज़ बिल्कुल पता नहीं थी कि एक दिन मैं इनको पढ़ाते पढ़ाते कंप्यूटर साइंस की टीचर बन जाऊँगी बहुत बाद में, फ्यूचर में, और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाऊँगी, लेकिन वो पहली स्टूडेंट रही मेरी। द दशहरा फेस्टिवल केम अनयूजुअल एज यूजुअल एंड सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नोवल बाय नोवल एट दैट टाइम, एंड माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल, शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, शी बेंट डाउन एंड टच माई फेट, I was surprised and taken aback. Elders never touch the feet of youngsters. We have always touched the feet of God, elders and teachers. We consider that as a mark of respect. तो जैसे ही क्या हुआ, फिर दशहरा पूजा आई और दशहरा पूजा में उन्होंने अपनी पोती को बुलाया, राइटर को बुलाया, और उनके पैर छुए और उनको एक फ्रॉक दिया, और जैसे ही वो पैर छुई तो राइटर थोड़ा पीछे हो गई और कहा कि आप ये क्या कर रही हैं, हम छोटों के पैर नहीं छूते, बड़े और टीचर्स के और सम्मान एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट हम सम्मान देते हुए बड़ों का पैर छूते हैं, आप तो बड़ी हैं मुझसे, आप मेरा पैर नहीं छू सकती। तो शी सेड, तो वो कहती हैं, आई एम टचिंग द फीट ऑफ ए टीचर, नॉट माई ग्रैंड डॉटर, अ टीचर हु टॉट मी सो वेल विद सो मच ऑफ अफेक्शन दैट आई कैन रीड माई एनी नोवल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड, नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, इट इज़ नॉट रिटन इन द स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर इन। तो वो बताती हैं कि जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल अपनी ग्रैंड डॉटर का पैर नहीं छू रही हूँ, मैं पैर छू रही हूँ किसका, मैं पैर छू रही हूँ, सम्मान कर रही हूँ अपनी टीचर का जिन्होंने मुझे पढ़ना सिखाया है और जिसके कारण आज मैं कॉन्फिडेंटली कोई भी नोवेल रीड कर सकती हूँ। और ऐसा किसी भी पुराण या फिर किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि हम टीचर जो है वो जेंडर और एज के बेसिस पर डिसाइड करते हैं। फिर आई डिड रिटर्न द नमस्कार टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गिव माई गिफ्ट टू फर्स्ट स्टूडेंट। और फिर मैंने भी क्या किया, उनके पैर छुए और उनको नमस्कार बोला
इन रिटर्न और अपना अपनी पहले स्टूडेंट को एक गिफ्ट दिया. शी ओपन इट एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रा बाय त्रिवेणी एंड पब्लिशर्स नेम. और वो किस चीज़, वो क्या चीज़ थी, वो पूरी बुक थी काशी यात्रा जो वो जो मैगजीन में पढ़ा करती थी, जो उन्हें सुनना अच्छा लगता था वो खोलते ही खुश हो जाती हैं. आई न्यू दैट देन दैट माई स्टूडेंट हैड कम विद फ्लाइंग कलर्स. और वो कहती हैं ये आप रीड करेंगे और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से फ्लाइंग कलर्स के साथ में आप इस चीज़ को पास आउट करेंगी और आप इसको रीड करेंगी. सो दिस वॉज द लेसन ऑल अबाउट. और ये जो लेसन था ये बहुत ही प्यारा था, जिसमें हमने सीखा कि टीचर जो है वो सिखाने वाला, हर सिखाने वाला टीचर होता है. वो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई छोटा बच्चा ना हो, वो हमसे बड़ा हो उम्र में. तो हमें जिससे सीख मिल रही है वो हर इंसान, वो हर शख्स, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तो वो पर्टिकुलर वन इज आवर टीचर. एंड आई होप दैट यू एंजॉयड द सेशन. ये बहुत ही प्यारा स्टोरी था. देन आप लोगों के एग्जाम्स भी आने वाले हैं, यू हैव टू बी मोटिवेटेड फॉर दैट, यू हैव टू वर्क हार्डर. बिल्कुल एकदम हार्ड वर्क करना है. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टडी वेल. वर्क हार्ड स्टूडेंट्स.